वडोदरा, जिसे वडोदा भी कहा जाता है, भारत के गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये वडोदरा जिले का मुख्यालय है और राज्य की राजधानी गांधीनगर से 141 किलोमीटर दूर विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और राष्ट्रीय राजमार्ग 64 इसे दिल्ली, मुंबई और देश के सभी अन्य भागों से जोड़ते हैं। नगर का नाम वड यानी कि बरगद के वृक्ष पर पड़ा है। इसका सबसे पुराना उल्लेख 812 ईस्वी के अधिकार दान या राजपत्र में है, जिसमें इसे वादपत्रक बताया गया है। ये अंकुत का शहर से संबद्ध बस्ती थी। इस क्षेत्र को जैनियों से छीनने वाले डोडिया राजपूत वंश के राजा चंदन के नाम पर इसे चंदन वाटी के नाम से भी जाना जाता था। समय समय पर इस शहर के नए नामकरण होते रहे हैं, जैसे वारावती, वादपत्रक, बड़ौदा और 1971 में वडोदरा। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पूर्व में बड़ौदा सिटी जंक्शन, स्टेशन कोड BRC, भारतीय शहर बड़ौदरा गुजरात का एक मुख्य स्टेशन है। अपने रणनीतिक स्थान के कारण ये कानपुर सेंट्रल, विजयवाड़ा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, अंबाला कैंट, हावड़ा, पटना जंक्शन और आसनसोल जंक्शन के बाद ट्रेनों की आवृत्ति के मामले में भारत का 9वां सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और गुजरात राज्य में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कहा जाता है। ये अहमदाबाद जंक्शन के बाद गुजरात का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ये भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का प्रमुख पड़ाव भी है। प्रतिदिन लगभग सैकड़ों ट्रेनें यहाँ से शुरू, समाप्त या गुजरती हैं। ये रेलवे स्टेशन मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, एकता नगर और छोटा उदयपुर से रेल लाइनों के लिए एक जंक्शन बिंदु है। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन एक A+ कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नज़दीकी बड़े रेलवे स्टेशनों में अहमदाबाद जंक्शन 99 किलोमीटर, आनंद जंक्शन 36 किलोमीटर, नादियाड जंक्शन 36 किलोमीटर, भरूच जंक्शन 70 किलोमीटर, विरमगम जंक्शन 147 किलोमीटर, गोधरा जंक्शन 68 किलोमीटर आदि मुख्य रूप से शुमार है। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन के वडोदरा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड BRC है। सन 1861 में खोले गए इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से विद्युतीकृत किया जा चुका है। दोस्तों, बात अगर ट्रैफिक की करें तो मैं आपको बता दूं कि वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 230,000 यात्री आवाजाही करते हैं। वहीं ट्रेनों के परिचालन के बारे में आपको बता दें कि वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 336 ट्रेनों का स्टॉपेज है, जबकि 22 ट्रेनें यहां से खुलती हैं और जिनका कि यहां पर लास्ट स्टॉपेज है। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों में 19218 वेरावल मुंबई बांद्रा टर्मिनल सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, 20955 सूरत महुआ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 14701 श्री गंगानगर मुंबई बांद्रा टर्मिनल अमरापुर अरावली एक्सप्रेस, 19015 दादर वेस्टर्न पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस, 12952 नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस, 12930 वडोदरा वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20902 गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस, 19035 वडोदरा अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस इत्यादि शामिल है। दोस्तों, वडोदरा जंक्शन NSG-2 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के एक रिपोर्ट के अनुसार वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का साफ सफाई के मामले में पूरे भारत में 90वां स्थान है। ये मुख्य लाइन पर 6 प्लेटफॉर्मों वाला एक काफी बड़ा स्टेशन है, जहां पर कई ट्रेनें रुकती हैं। प्लेटफॉर्म 1 से 6 को जोड़ने वाले 2 फुट ओवरब्रिज FOB हैं। प्लेटफॉर्म 2, 3 और 6 पर स्लाइडिंग रैंप है और प्लेटफॉर्म 1 में एस्केलेटर मौजूद है।
दो एग्जिट गेट हैं, एक प्लेटफॉर्म एक के माध्यम से जो पुराने शहर की ओर खुलता है, जबकि दूसरा छोर प्लेटफॉर्म 6 की ओर है। प्लेटफॉर्म 6 सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 704 मीटर की है। इस रेलवे स्टेशन पर पे एंड यूज शौचालय की सुविधा प्लेटफॉर्म 6 पर उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म 1 में वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम के साथ साथ जलपान कैंटीन भी हैं। कई एटीएम प्लेटफॉर्म 1 के ठीक बाहर में अवस्थित हैं। प्लेटफॉर्म 7 प्लेटफॉर्म 1 के आगे स्थित था और शांति एक्सप्रेस और गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों के रिवर्सल की सुविधा के साथ साथ कुछ यात्री और मेमू ट्रेनों के लिए टर्मिनस के रूप में काम करता था। वडोदरा इलेक्ट्रिक लोकोशेड में पश्चिम रेलवे क्षेत्र में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोशेड है। इस शेड में 130 से अधिक लोकोमोटिव हैं, जिनमें वैप 4, वैप 5, वैप 7, वैम 4 और वैग 5 जैसे लोकोमोटिव शामिल हैं। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन 3 लाइनों में कार्य करता है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच सीधी रेखा वडोदरा और छोटा उदयपुर और रतलाम, कोटा और मथुरा के रास्ते दिल्ली लाइन। उत्तरी क्षेत्र की ओर जाने वाली ट्रेनें रतलाम लाइन का उपयोग करती हैं, जबकि अन्य सभी ट्रेनें अहमदाबाद मुंबई लाइन का उपयोग करती हैं। जैसे अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, गुजरात मेल, कर्णावती एक्सप्रेस, सूर्यनगरी एक्सप्रेस और रणकपुर एक्सप्रेस। दोस्तों, वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में ट्रेन संबंधित पूछताछ हेतु 139 पर डायल किया जा सकता है। वडोदरा पर्यटन के लिहाज से एक समृद्ध जगह माना जाता है। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास घूमने के लिए कई सारे रमणीय स्थान हैं। वडोदरा शहर अपने ऐतिहासिक धरोहरों, मंदिरों, झीलों और पर्यटन स्थलों के साथ साथ कुछ हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए काफ़ी मशहूर है, जिनमें मुख्य रूप से वडोदरा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी, लक्ष्मी विलास पैलेस, सूरसागर झील, सयाजी गार्डन, ईएमई मंदिर, अरविंदो आश्रम, जारवानी झरना इत्यादि। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।